खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। हार गए मोदी जी, उनको दिल्ली पर ध्यान नहीं है। पब्लिक तो करती रहती शिकायत, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। हाल ऐसी है, ये भी आगे भी ऐसी होगा, यहाँ पे भी ऐसी। प्रशासन के पास तो पता है, फिर भी नहीं कराते हैं वो तो। पावर हाउस से डाबड़ी की ओर जाती लगभग 3 किलोमीटर लंबी इस सड़क को देखिए। ये सड़क अपने हाल पर रो रही है। जनकपुरी विधानसभा के अंतर्गत आने वाली इस सड़क पर आप राफ्टिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि सड़क बरसाती पानी से लबालब है। लास्ट टाइम इस सड़क का निर्माण कब हुआ था उन लोगों को भी याद नहीं जो यहाँ दशकों से रह रहे हैं। महावीर इनक्लेव पार्ट 2 की ये तस्वीरें स्मार्ट सिटी की योजना पर जोरदार तमाचा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। आपके साथ मैं हूं प्रवीण, और आज हम महावीर इनक्लेव पार्ट 2 में मौजूद हैं। मेरे पीछे की जो सड़क आपको नज़र आ रही है, ये दरअसल एक सर्विस लाइन है, और इसी के ठीक बगल में एक और मेन सड़क है, मुख्य सड़क है। ये जो सड़क है ये डाबड़ी से द्वारका की तरफ जाती है और द्वारका से डाबड़ी की तरफ आती है। तो वो जो सड़क थी उससे पहले हमने आपको एक खबर दिखाई थी, आपको याद होगा, सड़क पर गड्ढे ही गड्ढे नज़र आते थे, लेकिन खबर दिखाने का असर तुरंत हुआ और इस रोड को दुरुस्त कर दिया गया। लेकिन इसके बगल वाली जो रोड है जहां मैं खड़ा हूं, सर्विस लाइन है ये, और इसका जो हाल है वो वाकई बेहाल है। और यहाँ ये जो मंजर आपको नज़र आ रहा है, जल भराव की समस्या है, कीचड़ गारा है, लोग फिसलते हैं, चोटिल होते हैं, हॉस्पिटल पहुँचते हैं, और ये हाल आज से नहीं बल्कि पिछले कई वर्षों से है। इस पर आज हम विशेष कवरेज कर रहे हैं। यहाँ कुछ स्थानीय निवासियों से बात करते हैं और ज़्यादा जानते हैं कि कब से ये सड़क ऐसी है और कितनी परेशानियों का सामना लोगों को करना पड़ता है। आप यहीं रहते हैं? हाँ, यहीं रहता हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा राम अवधे यादव। तो ये जो सर्विस लाइन वाली सड़क है ये तो कब से नहीं बनी है और कितनी दिक्कतें से आती? ये सर्विस वाली लाइन जो लगभग 5 साल हो गया, इसमें खुदाई हो जाती है, उसे छोड़ देते हैं। इसमें आने जाने की बहुत परेशानी, बहुत ज़्यादा है। इसमें यहाँ की मिट्टी कॉलोनियों में जा रहा है, पानी के टाइम बरसात जब होती है यहाँ का पानी पानी के साथ मिट्टी कॉलोनी के अंदर घरों में घुस रहा है, घरों के अंदर घुस रहा है इसका पानी। तो ये किसके अंदर आती है? DDA के अंदर आती है या DDA के अंदर सुनने में आ रहा है, DDA के अंदर आती है। DDA वाले कभी कुछ देते नहीं। तो जो सांसद है, जो BJP के अंदर DDA आती है, जो सांसद है प्रवेश वर्मा जी, वो कभी आए, उनको देखा है? वर्मा आए हैं, जब आए, जब चुनाव होने वाला था तभी आए, उसके बाद उनकी शक्ल यहाँ कभी नहीं दिखाई पड़ी। तो हादसे भी होते होंगे यहाँ, तो लोग गिरते भी होंगे? हाँ, गिरते हैं, कभी कभी एक्सीडेंट भी हो जाता है यहाँ, बहुत से गिरे यहाँ, कई बार आदमी की हाथ पैर टूट गया। आप इधर आ जाइए, बैकग्राउंड में ये दिखनी चाहिए ना, इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। तो क्या कहेंगे, कब से ये हाल है और कौन जिम्मेदार है? 5 साल से ऊपर हो गया। जिम्मेदार कौन है इस पूरी? ये जिम्मेदार सांसद जी हैं, उनको देखना चाहिए, उनको बनाना चाहिए आके। 5 साल हो गया, 6 साल हो गया, ये अभी तक भी एक राउंड भी नहीं मारे, देखे भी नहीं क्या हो रहा है, कैसे लोग हैं यहाँ, कैसे जानता रहती है। ये पानी अब गलियों में जाती है, घर में जाता है। ये जो बारिश आती है, जो पानी भरा हुआ है, ये गलियों में जाके घरों में मिट्टी उठी, हाँ, घरों में जाता है। परेशान हो जाते हैं हम लोग सारे, हमें ही रहते हैं और परेशान हो जाते हैं। हाँ, इसी गली जब निकलते पड़ते हैं तो बच्चों के साथ जाते हैं, डर लगा रहता है फिसल ना जाए, चोट ना लग जाए। नहीं, ये आपका चैनल जो है ना वो साफ रिपोर्ट दिखाता है, और तो बाकी चैनल बिक गया है। तो आप ये दिखाएं जो दिल्ली में शायद वो हार गए मोदी जी, उनको दिल्ली पर ध्यान नहीं है, जहाँ तहाँ यही हाल है। अंदर कॉलोनी में देखिए जाके, यहाँ 5 साल से यह हाल है, तो सौतेला व्यवहार कर रहे हैं दिल्ली के साथ। तो लास्ट टाइम ये सर्विस लाइन कब बनी थी, याद है आपको? लास्ट टाइम तो 10 साल हुआ होगा, 8 साल, अभी 5 साल से इसके अंदर जो पाइप गई है ना, पता नहीं अब गैस की गई है, किस चीज़ की, 5 साल लगभग हो गया, ये दुर्दशा है। वैसे तो सड़क पर कंस्ट्रक्शन कार्य शुरू हो गया है, लेकिन स्थानीय निवासियों का कहना है कि इस सड़क को कई बार खोदा गया है, लेकिन इसकी तस्वीर वैसी की वैसी ही रहती है। क्षेत्र के निगम पार्षद प्रवीण ने बताया कि वो इस सड़क को बनवाने के लिए कई सालों से प्रयास कर रहे हैं, अब जाकर टेंडर पास हुआ है और रोड जल्द बन जाएगी। रोड है, चाहे वो सर्विस रोड हो चाहे मेन रोड हो, और वहाँ पर 6 साल से 7 साल से जब से वो दिल्ली के सांसद प्रवीण शर्मा जी बने, मैं कहता हूँ सबसे निकम्मे सांसद दिल्ली के है,
कि एक जो मेन रोड जो इतना हैवी ट्रैफिक जिसके ऊपर चलता है उस रोड को वो 7 साल के अंदर नहीं बनवा पाए। मेरे वार्ड के अंदर सिर्फ मात्र एक रोड DDA की पड़ती है जो सर्विस रोड है, उसी को वो नहीं बनवा पाए और पूरी जनता जो है वो त्रस्त है। यहाँ पर हमारे सांसद साहब मस्त है, सिर्फ ट्वीट करना उनको आता है मात्र, उसके अलावा जनता के हित में उन्होंने आज तक कोई काम नहीं किया। कभी वार्ड में आके उन्होंने ये नहीं देखा और कई बार मैं उनको पत्र के माध्यम से वर्बली उनको जाके ये अनुरोध कर चुका हूँ कि जी मेरे वार्ड में बहुत बड़ी समस्या जो सर्विस रोड की है उस रोड के लिए आपसे अनुरोध किया है कि उसको रोड को बनवाया जाए, बट उसके ऊपर उनकी कोई चिंता नहीं है, कोई नहीं है। उसके बाद हम लोगों ने DDA के जो वाइस चेयरमैन और हमारे माननीय सांसद संजय सिंह जी के प्रयासों से उस रोड का टेंडर करवाया है, तो बहुत जल्द वो रोड बन के तैयार हो जाएगी और उस पर आप देखेंगे तो काम भी चल रहा है फिलहाल। यहाँ की जनता ने न सिर्फ सड़क की बदहाली की कहानी सुनाई बल्कि नेताओं को भी कटघरे में ला खड़ा किया। फिसलन होती है, लोग गिरते हैं, अभी बीच में गाड़ी फंस गई थी यहाँ पे, लोग गिरा था, एक बाइक वाले की पैर टूट गई थी बीच में, मैं खुद स्कूटी से जा रहा था, मैं खुद गिर गया था, मेरे माल था स्कूटी पे, मेरा माल सारा गिर गया था। आप कब से यहाँ रह रहे हैं? मैं यहाँ से हो गया मुझे 15 साल। 15 साल में कितनी बार आपने नेताओं को देखा है यहाँ जायजा लेते हुए? यहाँ मैंने जब राजश्री से जीते थे जब भी देखा था एक बार यहाँ जाते हुए, यहाँ से जाते हुए उसके बाद आज के बाद देखा ही नहीं। सांसद जी कौन है यहाँ? राज ऋषि है यहाँ के। सांसद कौन है? यहाँ सांसद है अपने यहाँ के हैं, वो है क्या नाम है उनका यहाँ। लोग इतने बेखबर हैं, सांसद को कभी देखा ही नहीं तो उनको पहचाने कैसे, उनका नाम कैसे नाम कैसे याद आएगा? प्रमाण आपके सामने है, सांसद का नाम को नहीं पता क्योंकि वो यहाँ कभी आए नहीं, कभी उनको इन्होंने देखा नहीं, इसलिए आपको नहीं पता। हमने राज ऋषि जी को नहीं देखा यहाँ, सांसद क्या होता। लंबाई होगी इसकी 1.5 किलोमीटर से लेके पावर हाउस 1.5 किलोमीटर ही है। ये जल भराव है, कीचड़ है, गारा है, लोग गिर रहे हैं, फिसल रहे हैं, कब से ये हालत बने हुए हैं? जी स्टार्टिंग से ही है यहाँ पे। तो ऐसा कुछ आइडिया है उसके कुछ दिन बाद इसकी शिकायत वगैरह RW ने प्रधान ने की? हाँ, कहाँ पब्लिक तो करती रहती है शिकायत लेकिन कोई सुनवाई नहीं। अगर ये खबर प्रशासन के पास जाती है तो उनसे क्या उम्मीद करते हैं, क्या अपील करेंगे? प्रशासन के पास तो पता है फिर भी नहीं कराते हैं, वो तो उनको सब पता है, कुछ होता ही नहीं। ये तो आज कई 4-5 साल से ही चला रहा है, हाँ 5-6 साल हो गया, बल्कि कुछ नहीं होता है इसका। ये आपका DDA के अंडर आता है? हाँ DDA के अंडर आता है। प्रवेश वर्मा जी कितनी बार? प्रवेश वर्मा के एक बार भी नहीं आते हैं, जब से वो बने हैं जब से आज तक तो कभी आए नहीं, आज तक कभी नहीं आए वो ना, कभी भी नहीं आए। और बाकी जो विधायक हैं वो कभी आते हैं? विधायक भी हमारे ख्याल से तो हाँ, वो ये ऋषि वगैरह तो आ भी जाते हैं कभी कभी, लेकिन जरूरत पड़े तो बुला लो तब भी आ जाते हैं, लेकिन प्रवेश वर्मा जी तो कभी नहीं आते। अगर हादसों की बात करें तो कितनी गाड़ियाँ गिर फिसलती हैं, कितनी बाइक वगैरह फिसलती हैं, कितने हादसे होते हैं? तो इस पर तो बहुतेरे गिरते हैं लोग, हाँ गिरते रहते हैं, 1, 2, 3 और फिर गैस लाइन 5 साल तो हो ही गया यहाँ तक भरा हुआ है नीचे, अब वो बार बार खोदते रहते हैं, वो करते रहते हैं, लेकिन इसके ऊपर रोड बनने का नंबर नहीं खोद के चले जाते हैं, खोद के अपना डाल डुल के काम खत्म। 4-5 साल पहले सर बना था ये 11 नंबर गली तक, हाँ इलेक्शन था उस टाइम, इलेक्शन से पहले 11 नंबर गली तक बन गया रोड, ठीक है, उसके बाद वो रोड ऐसा बना ना 6 महीने भी नहीं चला रोड की ऐसी तैसी होगी, उसके बाद वो आगे बढ़े ही नहीं रोड बनाने के लिए। चलिए तो विकास कार्य चलता है, खुदाई हो जाती है लेकिन वो वैसी की वैसी पड़ी होती है, काम आगे नहीं बढ़ता है, ये शिकायत है लोगों की। और उनका कहना है कि कभी कभार जो है विधायक जो है राजेश ऋषि वो तो नज़र आ जाते हैं लेकिन सांसद का इनका कहना है कि उन्हें कभी इन्होंने देखा नहीं है। ये पूरी सड़क का यही हाल है और ये तस्वीरें बता रही हैं कि विकास का जो दावा है, विकास के जो वादे हैं जमीनी स्तर पर कितना सच हो रहे हैं। कैमरा जर्नलिस्ट नीरज साथ प्रवीण, India Times 24 News। हम भी यही उम्मीद करते हैं कि यह सर्विस लाइन जल्द से जल्द बन जाए ताकि आम जनता को जलभराव, कीचड़, गारा और हादसों से छुटकारा मिल सके। India Times 24 News के लिए दिल्ली से प्रवीण की रिपोर्ट। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।